नानी भी बैठे नानी तक सदन में शांत है तो नानी को नहीं सजा दिया सा क्या चीज है देख ले हमें तो जान भी नहीं सके उन्होंने ये बात याद नहीं सके अम्मी को उन्होंने नहीं बुलाया क्या याद नहीं की था हमें याद क्या नहीं सारी वाह है दखाई कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ज़रा खुशियाँ लाए। इतने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी गुड़िया तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। अभी हम घर का काम वगैरह कर रहे हैं तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहना है। मूर्ति मुकम्मल वाश करनी है क्योंकि आप लोगों को एक गलत फहमी से निकालना है। हमने काफी सारे आप लोग के कमेंट्स आए हैं ना तो उनका जवाब देना हमारा लाजमी बनता है। तो हम आपके कमेंट्स का जवाब, क्योंकि हम हर कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे सकते थे ना, इस वजह से हमने सोचा कि हम वीडियो बना लेते हैं और वीडियो में आप लोग के कमेंट्स का जवाब देते हैं। तभी जा रहे थे आप गुड़िया सब पूछो ने तो वापस आता है तो फिर खाना गुड़िया खा लो ना फिर कहते भूख लगती है। एक दो बजे छुट्टी होते तीन बजे खाना का सुबह नाश्ता नहीं करती ना, ये जितनी उनकी आदत है ना रात करता है सुबह सुबह नाश्ता और ना गुड़िया करती है बिस्कुट वगैरह खा के स्कूल चली जाती है। मुझे भी सच्चा साथ ले जाओ मुझे काम है इधर इलाके में। रात में कह रहा था ना जो लोग ये आए हुए हैं बकरियां चराने वाले बच्चों को उठा कर ले जाते हैं तो कुछ लोग बस नाराज हो गए। आप वो कह रहे थे कि सब पठान होंगे जो नाराज हुए होंगे लेकिन सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना। नहीं है सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना और पठान भी एक जैसे तो नहीं होते ना, कुछ लोग होते हैं क्योंकि हमारी आंखों के सामने ऐसा हुआ है पहले इधर हमारे गाँव में ही हुआ है। इस वजह से हमें डर लगता है जब भी आते हैं ना बकरियाँ वगैरह चराने वाले जानवरों वाले तो हमें बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इनसे हमें बहुत डर लगता है कि कहीं बच्चों को नुकसान ना पड़ता है। और कपास के नहीं होते जब कपास का सीजन होता है ना उस वक्त चोरियां बहुत होती हैं। अब पिछले दो तीन दिन हो गए कितना चोरियां हुई है, किसी का सारा सामान उठा के ले गए हैं, किसी के जानवर ले गए। अब क्या पता ये ले जाते हैं या इनका नाम करके कोई और चोरी कर लेते हैं, ये तो अब अल्लाह को पता है। किरण किधर है? सफाई कर दी है लेकिन मैंने सरदार से कहा है कि अभी फर्श तो नहीं लगवा सकते लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल दें, ये जो रोड के पास निकले हुए हैं ना ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने शराब की शादी के बाद थोड़ा ही बाद हमने सोचा था कि फर्श लगवा लेंगे लेकिन एक काम के बाद दूसरा काम दूसरे के बाद तीसरा काम हर दफ़ा ऐसे ही गुजर जाते लेकिन फर्श नहीं लगवा सकते। हेलो किरण क्या कर रही है? अंदर से भी झाड़ दिया है। किधर है किरण? मैंने कहा मुझे चाय देना चाय पी के खुद पी गई हो अब मैं क्या पीऊं? क्या कहे? मैं कह रही थी कि थोड़ी सी खड़ी थी चाय। अब मैं क्या पी मैंने तो थोड़ी सी पी थी। जब वापस दूसरी बना फिर पी वापस। चलो बढ़िया दरवाजा खोलो चलो तो अभी गुड़िया को स्कूल छोड़ के वापसी आ गए तो ये देखे तंदूरी भी ले आए लेकिन वो कहती है कि आप खुद लगाए चल नहीं सकती आप काम कर नहीं सकते सारे मट्टी पचास फुट पहले भी कुछ पड़ा हुआ है ना पहले वाले ये बाहर तक नहीं पहुंचता वो जो पड़ा है ना वो छोटा है बाहर वाले पौधों को पानी लगता नहीं है वो सारे खराब हो रहे हैं। तो अभी जो है ना शहजाद ने सारे सियाल में जो है ना छिड़काव किया है बाहर तक।
बड़ा पैंप लिया है ना, ये देखिए। ये जो है ना अम्मी ने न्यू तंदूरी ले आई अब। हाँ तो जितनी मेहनत करे ने ना दीवारों के साथ लटकाए हुए थे वो भी पठान थे। एक किसी घर गए थे तो मैं सोचती हूँ कि वो पौधे यहाँ पर डिजाइन बने हुए ना यहाँ पर लगाए। ये वाले जो है ना तोड़ देते हैं अब निकाल ले है ना ये वाले निकाल ले भिंडिया भिंडिया में बीज बढ़ जाते फिर ना नहीं कोई ना दे दीवार को क्यों धो रहे हो कलर उतर जाएगा कलर छोड़ लो रंग सीमेंट सीमेंट उतर जाएगी अरे मट्टी बहुत छोटा ना तो बस पानी से मट्टी नहीं उतर रही मट्टी जो है ना जाम दीजिए हवेली में सारी मट्टी नहीं सोचा तो ये क्या है रख दिया है तंदूरी तो दिखाई है अच्छा ये लकड़ी लेकर आई है मोटी ये वाली मोटी हाँ लगी हाँ लगानी पड़ती है ना तो बस कर बस अब जो है ना ले कर लिया है इससे हमें सारा ही इतनी रेत है ना फिर भी ऊपर से वो रोड़ी कूट के ना जहाँ पर सीमेंट डाल दी थी तो वो अब पानी से थोड़ी सी देर जम जाती है नीचे फिर थोड़ी देर बाद के दोबारा निकल तो रेत है ना सीमेंट ज्यादा लगाते ना फिर ना निकलती है बहुत थोड़ी हमें सीमेंट अगर मट्टी होती फिर भी इधर ना वो करेंगे पत्थर लगाएंगे मट्टी होती ना फिर भी वो जम जाती है जम जाती है लेकिन रेत नहीं जमती बस का चला दूंगा थोड़ी देर बाद और मेरे थक गए हैं सफाई पहले किया फिर मैंने ऊपर से पानी का छिड़काव किया और अभी तंदूरी भी लगानी है क्योंकि आज मैं घर पे खड़ी हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ सारे घर का काम कंप्लीट कर लें और वो जो है ना हमारा दरख्त तो वो लकड़िया नहीं है तो वो भी आज किसी से कहा है कि आके उसको तो उखाड़ के वो ले जाए आ रही तो वो लकड़िया बनवा के दे तो आप लोगों के रात बहुत जिस मौज पर हम आज वीडियो ये बना रहे हैं तो वो ये है कि रात आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि आप लोगों को सोनिया लोगों में जाना चाहिए शादी पे चाहते तो हम भी यही हैं कि हम जाएं वहाँ पे लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं जो जैसा सोनिया कह रही जो सोनिया आप लोगों को दिखा रही है आप वो बोल रहे हैं आप खुद इंसाफ करें जब खलील भाई की शादी थी तो हम गए हुए थे वहाँ डेली रूटीन वाली भी आई हुई थी हमारे तो डेली रूटीन वाली से कोई लड़ाई भी नहीं है तो हम नहीं गए थे खलील भाई की शादी पर हम गए थे और डेली रूटीन वाली भी आई थी हमारा इशू डेली रूटीन वाली नहीं है बेशक शादी में आए या ना आए वो उनकी मर्जी है हमारा उससे लेकिन हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है ये सिर्फ सोनिया एक मौजू बना लिया डेली रूटीन वालों का कि हम डेली रूटीन वालों के पास जाते हैं तो इस वजह से ये नहीं आना चाहते असल में सोनिया ये चाहती भी नहीं है कि ये शादी पे आए क्योंकि आप लोग जानते हैं वह छोटे से छोटा काम करती है ना पहले वीडियो बनाती है जब हमने शहजाद की शादी की थी तो हम कि आप लोगों को कितनी बार हमने वीडियो बनाई थी हम कार्ड लेकर गए थे हम खुद जाकर गए थे कि हमारे बेटे की शादी आप लोगों ने आना है हम मनाने के लिए गए थे जब मैंने पहली बार ये वीडियो बनाई थी कि हम शादी पे नहीं जाएंगे किरण का मसला है तो उनका बेबी होने वाला है तो हम शादी पे नहीं जाएंगे वो वीडियो देखती ना वो आते हमारे पास वो हमारे से मशवरा करते कि कौन सी डेट है कब आप लोग जा रहे हो हम डेट चेंज करके हम शादी रखेंगे तो आप लोगों ने हमारी शादी पे आना है उन्होंने ना वीडियो देखी है ना कुछ उन्होंने सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये शादी पर नहीं आना चाहते वीडियो डाल दिए हमारे ऊपर और वीडियो डालने से क्या होता है और वो भी डेली रूटीन वाली का नाम लेकर कि डेली रूटीन की वजह असल में डेली रूटीन वाली की तो वजह है ही नहीं हम जिस फैमिली की वजह से नहीं जाना चाहते वो और फैमिली है वो भी अगर ये हमारी बहन हमारे पास आती हमें आप लोग ये इंसाफ खुद करें अगर किसी घर में खुशी हो रही होती तो वो ऐसे बुलाती हैं शादी पे वीडियो डाल के बुलाते हैं या वीडियो में कह देते कि हमारे हम इसको भी अगर हम वीडियो ना देखें वो हमें तो पता नहीं है कि उन्होंने हमें शादी पे बुलाया या नहीं बुलाया ऐसे रिश्तेदारों को बुलाते हैं वीडियो में बुलाते हैं कि आप शादी पे आ जाएं वो आए हैं हमारे घर हमें बुलाने के लिए
या हम डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों का क्या मशवरा है, आप आएंगे या नहीं आएंगे, या उस फैमिली की वजह से आप लोग क्यों नहीं आना चाहते, आपके उन फैमिली के साथ क्या इशू है, उन्होंने आकर हमारे से कुछ पूछा है? तो जैसे उन्होंने वीडियो आप लोगों को सिर्फ डेली रूटीन का वो सामने रख के उनके आजकल वो डेली रूटीन के साथ वीडियो बना रही है, तो इस वजह से ये नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन असल में सुनिए चाहती नहीं है कि हम लोग शादी पे जाएं, लेकिन फिर भी हमारा तो भांजा है ना, अगर हमारी बहन कहेगी वो बाकायदा जैसे कार्ड देते हैं शादी पे बुलाते हैं, अगर वैसे बुलाएगी तो हम जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारे जैसे हम खुद बुलाने गए, जैसे हम बुलाने गए थे, ऐसे नहीं कि जब वो वीडियो डालते रहेंगे, वीडियो में कहते रहेंगे फला भी शादी पे आ जाए फला भी शादी, इतने बेगैरत हम लोग भी नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के हम चले जाएंगे, इस तरह तो हम कभी नहीं जाएंगे ना। लेकिन फिर भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गलत कमेंट्स ना करें और हमें ये ना कहें डेली रूटीन वाली नहीं है, आप लोग क्या रहे हैं, बिल्कुल आप ना लें डेली रूटीन वाली, हमारा कोई भी मसला नहीं है, वो तो आप लोगों ने भाई की शादी पे आप लोगों ने देख लिया है, हम इकट्ठे ही देख ली भाई की शादी पे, ना उनके आने से हमें कुछ फर्क पड़ता है, वो आए बेशक आए, हमें उससे कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इनके बुलाने का जो हमें शादी पे इनवाइट करने का तरीका है ना, वो अपना तरीका देखें, ऐसे शादी पे इनवाइट करते हैं, वो आते हमारे पास पूछते हैं कि आप लोगों ने वीडियो क्यों बनाया कि हम किरण की वजह से शादी पर नहीं आएंगे, आप आए शादी पे आप बताएं, हम हमने कहा कि किरण और मैं नहीं जाएंगे, अम्मी तो जाएगी, वीडियो में भी हमने ऐसे कहा, वीडियो में हमने ऐसे कहा था कि ये लोग नहीं जाएंगे तो नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने हमारे अगेंस्ट से ट्रिक वीडियो डाल दी कि इनको ये जल रहे हैं इनको सड़प्पा है, इनको ये हम क्यों जलेंगे डेली रूटीन वाली से, वो अपना काम करें, हम अपने हम किसी से रोजी रोटी लेकर नहीं खाते, हम अपना खाते खाते और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है, डेली रूटीन वाली आए बेशक है, वो खलील भाई की शादी पर भी आई थी, तो उनसे हमें कोई मसला नहीं है, इस डेली रूटीन को सामने रखकर सोनिया खुद नहीं चाहती कि खाला हमारे पास आए, इस वजह से उन्होंने डेली रूटीन वाली को सामने रखकर वीडियो बनाई है कि डेली रूटीन वाली की वजह से नहीं आते आ रहे, लेकिन वो इशू कोई और है जिसकी वजह से फैमिली कोई और है, उनका नाम भी इंशाल्लाह बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे, अगर टाइम अगर वो हमें कार्ड न दिया बुलाने के लिए नहीं आए हमें शादी पर इनवाइट हमें नहीं किया, ऐसे वीडियो में इनवाइट करते रहे हमारे पर अगेंस्ट वीडियो बनाते रहे, तो फिर तो हम ही वीडियो बनाते रहेंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जब वो हमारे पास आ गए हमें उन्होंने कार्ड भी दिया शादी के लिए बुलाया, तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, बस इतने ही हम लोगों से कहेंगे, लेकिन आप लोग ये कमेंट्स ना करें, कहीं करें कि आपको खुशी नहीं, आप जाना नहीं चाहती, आप दूसरों की वजह से, क्यों उनके बुलाने का तरीका सही नहीं है, दूसरों की वजह से आप नहीं जा रहे, ये है वो है, ऐसी बात आप लोग बिल्कुल ना करें, तो अभी लगाने वाले आए नहीं है, फिर अभी नहीं, मैं सोच रही पहले वो घास काटूं, फिर वो भी आ जाए, धूप आ जाए, मैंने कहा ये जल्दी आ जाना, फिर वो अभी आई नहीं है, तंदूरी लगा लेते ना सुबह सुबह, धूप हो जाएगी फिर गर्मी हो जाएगी, तो इधर नानी भी बैठे, नानी तक सदन में शादी अम्मी को भी याद नहीं किया मेरी बहन ने, तो अम्मी के पास जाऊँ उनसे तो कहूँ शहजाद ये आए जाना है आपने आना है, लेकिन उन्होंने अम्मी को कहना भी गवारा नहीं किया, वीडियो में लग गए, उन्होंने कहा पहले वीडियो हम बना लें, पहले उन्होंने कहा हम वीडियो पे बना लें बाद में फिर देखेंगे, ये पता नहीं है जो पुत्रा को साथ करते हैं, देव माय साथ करता ही भी साथ करते हैं, वही साथ करते हैं, उन्होंने अभी जो न्यू रिश्तेदारी बनाई है ना वो अभी उनके साथ नहीं बाहर है, लेकिन हम तुझे तो नहीं रिश्तेदार ना नहीं पहले, लेकिन वो जो पुराने जो उनका साथ दे रहे रासुनिया कह रहे हैं हम चैनल प्रमोट किए हैं, उनसे कोई जाकर पूछे ना जो आपके इतने चैनल खत्म हो गए हैं, अब जो चैनल चला रहे हो किसकी वजह से चल रहा है, इसका जितने भी जितने चैनल बनाए मोनेटाइज सारे चैनल मोनेटाइज करके दिए, इनके पास अब जितने चैनल चल रहे हैं ना ये सारे शहजाद के थ्रू चल रहे हैं, अब ये उनको देगी अपने चैनल भी खत्म कराएगी सारे खत्म करवाएगी, हमने तो इसे कोई 3-4 चैनल इनको बना के दिए, मोनेटाइज भी करा के दिए, लैब वाला भी मैंने मोनेटाइज किया, सारा काम करके सोनिया वाला भी समारिया वाला भी सारे, नहीं इनको जो अपना होता है ना वो याद आ जाता है, दूसरों के जो दूसरों के साथ भला करे ना वो इनको याद नहीं आता, हाँ सिर्फ इनको अपनी भलाई याद आती है, ये याद नहीं आता कि हमने इन लोगों के लिए क्या कुछ किया है, तो किरण भी सुबह का नाश्ता बना रही है, सुबह सुबह सिर्फ किरण नाश्ता करती है, बाकी कोई नहीं करता, क्यों आप नहीं करते, मैं तो 12 बजे खाता हूँ, कल 12 बजे खाया था, कल हमारे साथ इधर बैठ कर जब चटनी खाई थी वो भूल गए, तो कल एक दिन खाया है ना, तो अभी मैं जा रहा हूँ कहीं काम पे, तो
गुड़िया को फिर ले कर वापस आऊँ, समझ गया? नाश्ता मेरा आज उधर ही करेंगे। आयत को देखिए क्या दिखनी है, आयत पानी पानी है, पानी पीनी है। तो इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए काम से आप फिर आते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।